हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की, यानी कि जिसको हम स्पाउस ग्रांट ट्रांसफर भी बोलते हैं, ऑन रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। जब कोई रेल कर्मचारी किसी कारण से, व्यक्तिगत कारण से अपना ट्रांसफर लेता है अपने घर के पास या जहां उसकी इच्छा है वहां पर, तो उसको हम ऑन रिक्वेस्ट या ट्रांसफर कहते हैं। और यदि आपकी पत्नी किसी सरकारी जॉब में है, उनके बेस पर जो हम ट्रांसफर लेते हैं उसको हम स्पाउस ग्रांट ट्रांसफर बोलते हैं। इस वीडियो में हम दोनों ट्रांसफर को कवर करेंगे और जानेंगे कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के फॉर्म को एचआरएमएस द्वारा हम कैसे फिल करेंगे, डीलिंग क्लर्क के पास कैसे फॉरवर्ड करेंगे, यह सारी जानकारी हम इसमें जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले एचआरएमएस में लॉगिन होंगे, अपना आईडी, पासवर्ड, कैप्चा और ओटीपी डालकर हम अपने एचआरएमएस में लॉगिन होंगे। इसके बाद हम यहां पर देखेंगे डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं। डैशबोर्ड के बाद आप यहां नीचे जैसे ही देखेंगे तो यहां पर जो लिखा हुआ है आईआर एचआरएमएस ईएसएस वर्जन 3.0, इसके जो स्क्रॉल डाउन पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे इसके जो अंदर जो टैब हैं वो खुल जाएंगे। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का सा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशंस, ये देखिए यहां पर लिखा है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन। हम नई एप्लीकेशन एक यहां पर डालेंगे, और क्योंकि नया हमारा पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो हमारा नया ही न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो फिर जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, इस पर एक फॉर्म खुल के आ गया। इस यह फॉर्म आपके जो इन्फॉर्मेशन है वह इसमें पहले से भरी हुई है, जो कि इन्फॉर्मेशन आपकी है, आपका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, अपॉइंटमेंट डेट, सब टाइटल, पे लेवल वगैरह, करंट यूनिट, लाइन जोन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपकी पहले से भरी हुई हैं। आप जहाँ पर ये हल्का पीला पीला सा दिखाई दे रहा है जो टैब, वो उनको आप चेंज कर सकते हैं, जबकि जो डार्क कलर में है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे वेदर हैबिट टाइपिंग, यदि आप टाइपिंग जानते हैं तो आप इस पर यस करेंगे, या फिर नहीं जानते हैं तो नो करेंगे। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन भी चेंज कर सकते हैं, और बस इसमें और कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें ये एम्प्लॉय डिटेल का कॉलम है, आपकी डिटेल पूरी फिल हो गई है। इसके बाद जो नीचे टैब आता है ट्रांसफर डिटेल, हम ट्रांसफर डिटेल में आएंगे। ट्रांसफर डिटेल में देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांसफर, आप कौन सा ट्रांसफर, इंटर रेलवे, इंटर डिवीजनल या इंटर डिवीजन, आप कौन सा इसमें चाहते हैं वह इस पर सिलेक्ट करेंगे। कोई सा भी एक सिलेक्ट करना जरूरी है। इसके बाद रेलवे जोन, आप कौन सा जोन, यहाँ से किस जोन में आप अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर चाहते हैं वह आप इसमें लिखेंगे। तो मैं कोई इसमें सिलेक्ट करता हूँ एनसीआर, मैं एनसीआर सिलेक्ट करता हूँ, इसमें एनसीआर मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद रेलवे यूनिट, आप इसको सिलेक्ट करेंगे कौन से यूनिट में आप जाना चाहते हैं, झांसी डिवीजन या झांसी कौन सा, प्रयागराज, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर वगैरह, आप जहां जाना चाहते हैं वह इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टेशन, आप कौन सा जाना चाहते हैं, आप यहां पर स्टेशन भी टाइप कर सकते हैं, वह अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। इसके बाद आप डिपार्टमेंट कौन सा लेना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं तो आपका ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही होगा। इसके बाद आप सब डिपार्टमेंट कौन सा चाहते हैं, वह जनरल, टीआरडी, टीआरएस, रनिंग या कौन सा है आपका, उसमें आप इस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेट योर स्पेशल कंडीशन इफ एनी ग्रेड पोस्ट स्टेशन ईटीसी, यदि आपकी कोई स्पेशल कंडीशन है वह आप इस पर टाइप करेंगे। आप अपना यहाँ पर एक फोटो जो जीपीजी पीएनजी फॉर्मेट में हो वह अपलोड करेंगे। चूज फाइल करके आप जहाँ पर आपका फोटो है वो चूज करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। एक ब्लैंक फॉर्म पे, ब्लैंक पेपर पे अपने साइन करेंगे, ब्लैक पेन से आप उनको फोटो निकाल के अपलोड करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको क्लिक करेंगे। अब हम इसमें सबसे ध्यान से देखते हैं ट्रांसफर ग्राउंड, आप किस ग्राउंड पर आप अपना ट्रांसफर चाहते हैं, इस पर इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको भरना है। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी पत्नी यानी आपकी वाइफ कहीं दूसरी जगह सर्विस करती हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पाउस ग्रांट, यानी कि आपकी पत्नी
वहां पर कहीं दूसरी जगह पर सर्विस कर रहे हैं और आप किसी दूसरी जगह रेलवे में सर्विस कर रहे हैं। स्पाउस ग्रांट ट्रांसफर में आपको अपनी वाइफ का कॉल लेटर वगैरह या आईडी कार्ड वगैरह और या एनओसी वगैरह, यह सब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो फिर आपको कोई उसका भी डॉक्यूमेंट्स, आपको आपको जो हैंडीकैप्ड वाला सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा और फिजिकल हैंडीकैप्ड का इसमें सर्विस को इसको सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास आपके आपके घर में या परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबल्ड है तो उसके केयरिंग के लिए आप अगर ट्रांसफर चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आपके में विडो अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेशन ग्राउंड का है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इनमें से कोई आपको क्लिक करना अनिवार्य है। इसके बाद जो आप इस पर क्लिक करेंगे उसी का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाना अनिवार्य है। इसके बाद आपकी कम्युनिकेशन डिटेल जो कि पहले से ही भरी होगी, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, यह पहले से भरा होगा। यदि आप इन्हें चेंज करवाना चाहते हैं तो आपके डीलिंग क्लर्क से ही ये चेंज होगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं क्लिक ऑन द आइकन चेक फॉर इनकमिंग एम्प्लॉई टू योर यूनिट। इस पर आप क्लिक करके आप देख पाएंगे कि आपके यूनिट में कोई व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ आना चाह रहा है। इसको सर्च करेंगे तो अभी इसमें कोई नहीं है, तो इस पर इसलिए यह सब ब्लैंक आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है। इसके बाद डिक्लेरेशन, आप डिक्लेरेशन के लिए क्लिक ऑन द बॉक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका डिक्लेरेशन ये भर जाएगा। इसमें वही लिखा हुआ है जो कॉमन शर्तें रहती हैं। आपको जो ट्रांसफ़र होगा आपको सबसे बॉटम पे रखा जाएगा, आपको TA DA नहीं भरा जाएगा। आपको दोबारा से यहाँ पर पुनः आपको दोबारा से उसी यूनिट में नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक बार ट्रांसफ़र होने के बाद दोबारा नहीं भेजा जाएगा। इन सभी शर्तों को हम पूरा करते हैं, यह सब इसकी जानकारी है। और आपको अपने सुपरवाइजर की HRMS ID को डालकर आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं रैंडमली किसी का नाम डालता हूँ तो ये देखिए, तो यहाँ पर आप जैसे ही उनका नाम डालेंगे अपने सुपरवाइजर के, यहाँ पर बहुत सारे नाम आ रहे हैं। आप उनको सिलेक्ट करेंगे और उनकी ID वगैरह आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ID भर जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिमार्क भरना ज़रूरी है, आप यह ट्रांसफ़र क्यों चाहते हैं यह पूरी जानकारी इस रिमार्क में अच्छे से लिख दें, या तो आप यूनिकोड में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें। और इसके बाद आपके पास सबमिट बटन का यह आ जाएगा और आपको देखो यहाँ दिखाया भी जा रहा है यू आर अप्लाइंग फॉर ट्रांसफ़र। मेरे केस में जैसे झांसी डिवीज़न है, मैं तो एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जिस ऑफिसर का आपने यहाँ पर नाम चूज़ किया था उसके पास ये फॉरवर्ड हो जाएगा। वह अपने अगले ऑफिसर को इस फॉर्म को फॉरवर्ड करेंगे रिमार्क के साथ। अब कंडीशन ये आती है, आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मेरे HRMS टैब में ऑन रिक्वेस्ट का टैब दिखाई नहीं दे रहा है या फॉर्म खुल ही नहीं रहा है। इसी तरह के आप लोग बार बार कमेंट करते हैं। इसका अर्थ ये है जो रेलवे द्वारा सर्विस पीरियड बनाया गया है 10 साल का, जो कि पहले 5 साल का था, अब 10 साल बाद ही आप अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट के लिए। तो जब तक आपके 10 साल नहीं होंगे तब तक यह टैब आपके में नहीं खुलेगा। स्पाउस ग्रांट ट्रांसफर के लिए अलग कंडीशन है और डिसेबल चाइल्ड के लिए या विडो मदर के लिए ऐसा कुछ उनके लिए कुछ अलग नियम है। लेकिन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए आपकी जो टाइम पीरियड सर्विस टाइम पीरियड है वो 10 साल होना अनिवार्य, तभी आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले सकते हैं। फिर भी यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।